हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए, जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बाद हम जो मेटल निकालते हैं तो उससे 100% प्योर मेटल नहीं निकलता है, बल्कि वो 98 या 97 पॉइंट समथिंग करके वो होता है। कुछ में जैसे एल्युमिनियम का जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो 98.26% वो निकलता है, यानी ये भी पूरी तरह से प्योर नहीं मेटल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, तो मैंने एक डिवाइस बनाया हुआ है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जो हमारा मेटल जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के रिजल्ट में जो प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर मेटल। जैसे हमने चांदी का मेटल, हमने चांदी बनाया और वो चांदी हमारा इम्प्योर स्टेट में है अभी, यानी ये कितने परसेंट स्टेट में है, ये 98.26% में। अब चूंकि आप सभी जानते हैं चांदी का एक एक पार्टिकल बड़ा कीमती होता है, इस नाते मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये कोशिश की जाती है कि हम 100% प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो इस नाते हम लोग यहाँ पे इम्प्योर मेटल लगा देते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक पतला सा चांदी का ही एक दूसरा प्योर रॉड लगा देते हैं, ये एकदम 100% प्योर रॉड होता है, 100% प्योर रॉड होता है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम इन दोनों को एक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो जो सोल्यूशन होता है किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का ये नियम है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस यूज करते हैं तो जिस मेटल को हम डिप करते हैं उसी मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, यानी अगर सिल्वर डिप कर रहे हैं या सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिल्वर क्लोराइड, अगर कॉपर लेते हैं तो क्यूपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड, या फिर एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम क्लोराइड या कुछ भी, लेकिन सोल्यूशन हम उसी का लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को बना देते हैं एनोड और प्योर मेटल को बना देते हैं कैथोड, इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस पर पास होती है तो हम सभी जानते हैं ये पूरा रॉड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, और जैसे ही पॉजिटिव नेचर का होता है तो हम सभी जानते हैं ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो एक तो ऑलरेडी ये मेटल मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर का है, ऊपर से मेटल का कैरेक्टरिस्टिक गुड है कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मेटल वो इसमें स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो मेटल क्या करेगा, सिल्वर मेटल यहां से अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हुए अपने आप को आयन में कन्वर्ट करके वो चला आएगा, बिल्कुल यही रिएक्शन होगा। एनोड पे देखिए यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहां पर सिल्वर जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सोडियम सिल्वर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब सिल्वर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो ये कहीं पर भी, जब भी बच्चों ये लिखा जाता है सिल्वर पॉजिटिव, इसका मतलब वो एक्वस फॉर्म होता है, मतलब वो अब मेटल में नहीं रहेगा बल्कि वो कहाँ जाएगा, एक्वस फॉर्म में, मैंने अपने सोल्यूशन में जाएगा। अब चूंकि अब सोल्यूशन के अंदर सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो हम सभी जानते हैं हमारा जो प्योर सिल्वर मेटल है उसको हमने कौन सा चार्ज दिया हुआ है, निगेटिव। जब हमने अपने प्योर सिल्वर मेटल को निगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो और मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये निगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव एलिमेंट क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो जाकर के धीरे धीरे इसके ऊपर एक एक लेयर की लेयर बना बना करके चिपकते चले जाएंगे। और उस हिसाब से क्या होगा, ये जो पतला सा चांदी का रॉड है वो धीरे धीरे मोटा होना शुरू करेगा और ये धीरे धीरे पतला होना शुरू करेगा। तो जितने भी पॉजिटिव मेटल आयन होंगे वो सभी जा करके किस पर चिपक जाएंगे, इस पर चिपक जाएंगे, और जो इनके साथ जो इम्प्योरिटी आ जाती है वो इम्प्योरिटी यहाँ मड के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस नाते इसको हम लोग कहते हैं एनोड मड, या इसको हम लोग फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। और जब ये इस प्रकार से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक ये एनोड रॉड पर लगाए गए जो हमारा इम्प्योर मेटल ये पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो जाता। जब ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है तो मतलब सारी इम्प्योरिटी यहाँ बैठ जाती है और पूरे के पूरे प्योर सिल्वर वो इस पर डिपॉजिट हो जाता है और ये पूरा पूरी तरह से काफी मोटा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस मेथड से जो हमको सिल्वर प्राप्त होता है वो 99.99% प्योर सिल्वर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम उसकी मैक्सिमम इम्प्योरिटी को यहां से वॉश आउट कर देते हैं और हमको प्योर मेटल का एक रॉड प्राप्त होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए यहां पर वे मैंने यहां पर लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, री मतलब अगेन, फाइनिंग मतलब प्योर, मतलब जो हमको इम्प्योर मेटल मिला उसको हम अगेन प्योर करें, अब थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक प्रोसेस से, इस नाते इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कोरोजन। देखिए कोरोजन हमने इसके पहले प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर मैंने ये बताया था कि जब आपका प्योर मेटल किसी इम्प्योर फॉर्म में जाता है तो क्वेश्चन होता है कि मेटल अपने कौन से इम्प्योर फॉर्म में जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर मेटल इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है तो आपके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, या फिर किसी एसिड के कॉन्टैक्ट में है तो सल्फाइड हैलाइड एंड नाइट्रेट के कॉन्टैक्ट में जाएगा, या फिर किसी कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में तो मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा। यानी एक प्योर मेटल के इतने सारे फॉर्म में जाना तो ये उसकी क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी कहलाती है। यानी मेटल आपका प्योर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, इम्प्योर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब मेटल प्योर फॉर्म से इम्प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय थ्रू सेम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड कोरोजन। तो मैंने ये लिखा है कि व्हेन मेटल्स आर चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, कार्बोनेट, हैलाइड थ्रू मेनी केमिकल रिएक्शन एंड बिकम इम्प्योर कॉल्ड कोरोजन। यानी जब मेटल अलग अलग केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करके इम्प्योर होते हुए वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप प्योर कार्बन प्योर कॉपर के टुकड़े, प्योर जो चांदी होता है वो अपने अपने प्योर स्टेट में चमकता है, गोल्डन कलर में चमकता है, अगर हम उसको एयर के कॉन्टैक्ट में रख दें तो एयर में उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और क्या मिलेंगे, मॉइस्चर, और सराउंडिंग में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, मेटल क्यूपरस कार्बोनेट और क्यूपरस हाइड्रोक्साइड का ये कंबाइंड मिक्सचर बन जाता है जो मेटल को क्या करता है, मेटल के सरफेस से झाड़ देता है। यानी प्योर मेटल का परसेंटेज अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह से आपने देखा होगा आयरन का, आयरन के कोरोजन को हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था रस्टिंग, ये रस्टिंग का एग्जांपल है कि यहां पर वो भी मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के मेटल का करीब करीब 23% मेटल हमारा पर डे मेटल ऑक्साइड के रूप में बर्बाद हो जाता है। तो सरकार को इस अपने, क्योंकि इसको रिस्टोर करने का प्रोसेस बड़ा महंगा है, बहुत काफ़ी खर्चीला है, तो सरकार इस मेटल को झरने से रोकने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करना चाहती है। तो उन मेथड्स को जब यूज करती है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो हम लोग प्रिवेंशन को यानी इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैसे रोकें, तो देखिए सबसे पहले मेथड है कि क्या हम प्रिवेंशन कैसे रोक सकते थे। देखिए जब हमारा मेटल का जो सरफेस होता है दरअसल में उस पर क्या होता है, अगर हम इसको बना दें वो ऐसा रिएक्शन क्यों करते हैं, दरअसल में हम सभी जानते हैं आयरन जो होते हैं मेटल सरफेस पे आकर के एक दूसरे के साथ अपने मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सोचिए नीचे वाले जितने मेटल होते वो एक दूसरे के साथ अपने मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन सोचिए जो मेटल मेटल सरफेस के ठीक ऊपर होता है उसकी ये वैलेंसी फ्री होती है। और अगर इसकी ये वैलेंसी फ्री होती है तो ये सराउंड मतलब फ्री होने का मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें जो ऑक्सीजन स्पीसीज होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ होता है, तो वो उसी के लालच में इन इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है, और यही क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। और फिर जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फिर डिस्टर्ब हो जाती है, फिर उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल फिर इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, रस्ट। और जैसे ये बनता है तो आयरन का नीचे वाले मेटल के साथ, याद देखिए क्या होता है, जैसे ये आयरन ऑक्साइड बनता है तो आप समझिए कि आखिर ये मेटल झरता क्यों है, जैसे ये ऑक्साइड बनता है हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनते हैं तो ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं, सभी बॉन्ड वीक हो जाते हैं, और जब ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं तो ये आपस में टूटना शुरू कर देते हैं, और जब टूटना शुरू करते हैं तो ये पूरी लेयर जो होती है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये क्या करते झर जाते हैं। अगर आप इसको ठोक देंगे तो सारे मेटल ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड हो तो वो झर जाएंगे, फिर नेक्स्ट मेटल जो होते हैं वो हमारे अगले मेटेलिक इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में आ जाते हैं, और जब वो इन्वायरमेंटल में एक्सपोजर में आ जाते हैं तो फिर से यही सेम रिएक्शन होने लगता है। इस प्रकार से लोहा जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें जंग पड़ता है। लेकिन अगर आपने चांदी देखा होगा तो एल्युमिनियम देखा होगा तो एल्युमिनियम के ऊपर जब एक सिल्वर ऑक्साइड की लेयर बनती है तो वो टूटती नहीं है, और जब वो टूटेगी नहीं तो वो अपने नीचे के जितने भी सिल्वर मेटल होते हैं वो उन सिल्वर मेटल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं।
तो इस प्रकार से इस लेयर को, क्योंकि सिल्वर ने अपने नीचे वाली लेयर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है, इस नाते इस लेयर को हम लोग कहते हैं सैक्रिफैक्शन लेयर कहते हैं। यही वजह है बच्चों कि जब सिल्वर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनती है तो आपको नहीं देखा होगा, आप उसको चाकू से रगड़ रगड़ कर छुड़ाते हैं। तो जब यानी पूरे मेटल में सिल्वर के पास ही ये काबिलियत होती है कि जब सिल्वर अपने मेटल सिल्वर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमनी शुरू हो जाती है तो सिल्वर क्या करता है, अपने नीचे वाले एल्यूमिनियम के साथ ये बॉन्ड तोड़ता नहीं और वो उसके साथ परमानेंटली जुड़ा, जिसकी वजह से केवल ऊपर की लेयर ही खराब होती है, नीचे की लेयर सेफ रह जाती है। इस नाते आपने देखा होगा जितने भी हमारे घरों के अगल बगल में जो बिजली के वायर दौड़ते हैं वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, सिल्वर सॉरी एल्युमिनियम यूज करते हैं, जबकि उनकी जगह पर हम आयरन यूज कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आयरन का क्रोजन टाइम बहुत फास्टर होता है रैदर देन सिल्वर, सिल्वर तो होता ही नहीं। तो कैसे रोकेंगे हम प्रिवेंशन यानी क्रोजन, तो देखिए हम क्या करते हैं उस मेटल को इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में रोक देते हैं। तो रोकेंगे कैसे, बाई ऑयलिंग या पेंटिंग, या तो हम पेंट कर दें। आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी मेटल बॉक्स होता है तो हम उसके ऊपर एक पेंट लगा देते हैं ताकि वो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनने रोक दे। तो ये पहला प्रोसेस है। दूसरा है कास्टिंग ए लो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेटल ऑन द अनदर, यानी किसी लो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेटल को हम किसी हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेटल के ऊपर क्या कर कास्ट कर देते हैं, यानी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी इसके पहले हमने देखा था कि गन मेटल के ऊपर हम लोग लेड चढ़ाते थे तो वो मेटल की कास्टिंग की जाती थी। और तीसरा जो प्रोसेस था वो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन। हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो अगला टॉपिक था वो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि हम एक लो इकोनॉमिक मेटल को एक हाई इकोनॉमिक मेटल के ऊपर फॉर द रीजन ऑफ प्रोटेक्शन क्या करते हैं, कास्ट कर देते हैं। मतलब उसमें कास्टिंग होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल पर चढ़ा देना, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस से उसको हम कास्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक मेटल का सोल्यूशन लेते हैं, जिस भी मेटल को आपको कास्ट करना होगा या कोट करना होगा हमें उस मेटल का सोल्यूशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं जिंक सल्फेट का सोल्यूशन या जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन ले लेते हैं। अब होता यह है कि जिस मेटल के ऊपर आपको कोट करना होता उस मेटल को हम लोग बना देते हैं कैथोड, यानी उसको निगेटिव चार्ज दे देते हैं। और जिस मेटल को आपको माने लो इकोनॉमिक जिसकी इन्वायरमेंट के प्रति रिएक्टिविटी बहुत स्लो है उस मेटल को हम लोग बना देते हैं एनोड। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा प्रोसेस की तरह हम सभी जानते हैं एनोड पर क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो होते हैं जिंक जो होते हैं वो अपने जिंक आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो जब जिंक अपने जिंक आयन के रूप में कन्वर्ट होगा तो वो तुरंत किस रूप में चला जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन उसके रह जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये प्लेट आपका एज इट इज बना रहेगा। और धीरे धीरे जिंक जो होते हैं आयन के रूप में कन्वर्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर भर जाएंगे। फिर अब होता क्या है कि अब चूंकि आपको आयरन को कोरोड होने से बचाना है तो और आपने आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज दिया, वो निगेटिव। और जब आयरन के ऊपर निगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो इस पर पूरा निगेटिव चार्ज भर जाएगा। और जब निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो सोल्यूशन में जितने भी कैटायन होंगे वो ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो इनके इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसी के सरफेस के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा और इसके ऊपर एक मोटा सा जिंक का लेयर चढ़ा लेगा। और जब ये लेयर चढ़ा लेगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ज्वेलरीज होते हैं जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। तो सोने का पानी कैसे चढ़ा होता है, जैसे अब वहाँ पर देखिए प्रोसेस सेम, जहाँ पर जिंक रॉड है वहाँ पर हम लोग गोल्ड की रॉड ले लेंगे और जहाँ पर ये जो सोल्यूशन है वहाँ पर सोल्यूशन ले लेंगे एरियम क्लोराइड AuCl2, ये गोल्ड का सोल्यूशन कहलाता है AuCl2। और जब हम सेम एनोड कैथोड बना करके जब उस पर इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो गोल्ड जो होते हैं वो सोल्यूशन के अंदर आएंगे और फिर गोल्ड जो आपका चांदी होगा या तांबा होगा वो उसके ऊपर एक प्लेट के रूप में चढ़ जाएगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसी प्रोसेस को एक नाम और दिया गया गैल्वेनाइजेशन। तो बच्चों यहां तक रहा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको लगा तो सेक्शन में कमेंट करें, शेयर करें और इसको लाइक कर दें।